गिरफ्तार किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा। चुनाव आयोग से हम वादा करते हैं, चुनाव खुली चुनौती आप लोग देंगे, सरकार को खुली चुनौती है। हमारा एनकाउंटर कर दे, अमित शाह से डरता नहीं हूं मैं, एनकाउंटर कर दे, डरते नहीं है। चलो 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 ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। देखिए पुलिस ने हमें डिटेन किया है, पुलिस हमें लेके जा रही है, जहां भी लेके जाएगी हमें कोई दिक्कत नहीं है, कानून का पालन करते हुए हम उनके साथ ही जा रहे हैं। मैं आपसे कहूंगा ये लड़ाई जो शुरू करी है, इसको लड़ाई को आगे पहुंचाने वाले आप लोग हैं, आप सारे लोग हैं। इस लड़ाई को देश के दुनिया के कोने कोने में पहुंचाइए, ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस देश से ईवीएम को खत्म करके लोगों के संवैधानिक मताधिकार को। बड़ा आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, पटियाला कोर्ट से पैदल मार्च कर रहे हैं, लग रहा है कि सरकार मानेगी आपके बातों पर, सहमत होगी? देखिए आज जो हम जा रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन से मिलने जा रहे हैं, और इसीलिए आज इस समय जो हमने मीडिया में आप लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में एक मैसेज दिया हुआ है कि 5 तारीख को यानी 5 जनवरी आज 4 बजे शाम को 4 नंबर गेट पटियाला हाउस पर हम सभी लोग इकट्ठे होंगे, जिसमें बड़ी संख्या में एडवोकेट्स होंगे और साथ में सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, जो भी आना चाहें उन सबको निमंत्रण है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और अभी हमारे साथी महमूद पराचा जी और बाकी सब लोग जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद हम यहाँ से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन विपक्ष का एक भी बड़ा लीडर बोलने को तैयार नहीं है सर। क्यों नहीं बड़ा लीडर बोलने को तैयार है? मैं विपक्ष नजर नहीं आता आपको? भाई मेरी वीडियो आज की तारीख में 3-4 करोड़ लोग लगातार देख रहे हैं, आपने देखा ड्राइवर वालों की, वो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी है मैसेज, और इस ईवीएम के मसले को लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो आपको मैं विपक्ष नजर नहीं आता? या आपको वही विपक्ष चाहिए जो मुर्दा है, जो बोलने को तैयार नहीं है, जो सड़क पे आने को तैयार नहीं है? अगर देश तबाह हुआ तो विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार होगा जितनी इस देश की सरकार है। उस विपक्ष से क्यों उम्मीद रखते हो आप? मैंने बहुत पहले कहा ये लड़ाई जनता की है, ये लड़ाई नेताओं की नहीं है। वो नेता चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो मजे में रहते हैं, बिगड़ता है केवल और केवल जनता का। इसलिए जनता ही विपक्ष है, ये लड़ाई जनता को ही लड़नी पड़ेगी अगर अपने आप को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को बचाना है तो, उनका भविष्य बचाना है तो हम विपक्ष हैं, हम विपक्ष हैं, और हम विपक्ष होने के नाते आज इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देता है। जनता कह रहा है, जनता तो मंदिर जाने के लिए कर रही है ना। भाई देखो जो मंदिर जा रहा है उन्हें मंदिर जान दो, जो मंदिर नहीं जा रहे, जिन्हें ईवीएम की लड़ाई वाकई में लड़ाई लगती है देश को बचाने की, वो यहाँ आएंगे। सर इसको मुद्दा तो बनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजेबल ईवीएम को लेकर। भाई सुप्रीम कोर्ट को तो कर देना चाहिए, एडीआर की जो पिटीशन है, मैं समझता हूँ अब तक की जितनी भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है, एडीआर की पिटीशन ईवीएम के मसले पर सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया पिटीशन है। उसमें तमाम सबूत दिए गए हैं, तमाम तथ्य दिए गए हैं। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसे प्रॉपर तरीके से कानूनी रूप से न्याय करते हुए डिसाइड करे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं कर रही तो प्रश्न चिन्ह तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी लग रहा है। इंडिया अलायंस की कोई डेलीगेट से बात हुई है सर? इंडिया अलायंस के जो डेलीगेट्स हैं पार्टियों के, हमने उनको बाकायदा उनके ईमेल पर लेटर भेजे हैं कल के लिए। कल जंतर मंतर पर 1 बजे से हमारा आंदोलन है 5 बजे तक। हमने बाकायदा राहुल गांधी जी को भेजा मैसेज, हमने खड़गे साहब को भेजा है, हमने अखिलेश यादव जी को भेजा है, हमने आरजेडी के लालू प्रसाद यादव जी को भेजा है, तेजस्वी यादव जी को भेजा है, नीतीश कुमार जी को भेजा है, ममता जी को भेजा है, अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और अभी हम भेज रहे हैं उनको मौवा मोत्रा जी को, सबको हमने भेज रहे हैं हम लोग। ऐसे कुछ उम्मीद करते हैं या वो इंस्पीन? भाई हमने कह दिया हमारी अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो
जनता की लड़ाई है, जन आंदोलन से ही लड़ी जाएगी, जीती जाएगी। भानु प्रताप को भी जो है साहब हमें गोली मरवा दे, हमारा इनकाउंटर करा दे, या हमें जेल में बंद कर दे, यूएपीए लगा के जो इनके बस की लगा ले, लेकिन ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ। देखिए, एक मिनट साथियों, ये जिस तरह से पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है और इलेक्शन कमीशन तक नहीं जाने दे रही, ये इस बात का सबूत है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में बेईमानी है। और मोदी जी ईवीएम के माध्यम, अन्यथा हमें 50 ईवीएम देने में क्या दिक्कत है? हम पूरे देश में दिखा देना, सारा लाइव करके दिखाते, पत्रकारों के बीच में दिखाते, ईवीएम कैसे हैक होती है, ईवीएम में किस तरह से रिप्रोग्रामिंग होती है, किया जा रहा, हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, ये इस बात का सबूत है कि चुनाव आयोग तैयार है, चुनाव आयोग तैयार है, लेकिन सरकार बेईमान है और उसकी पोल ना खुल जाए, ईवीएम की धांधली ना खुल जाए, इसलिए हमें नहीं जाने दिया जा रहा। Subscribe our channel for latest news and updates and don't forget to press bell icon for latest notifications.